अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक लोमड़ी और एक कौवे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करें। आज तो एक बार क्या होता है, बहुत मज़े की कहानी आपको बताना। तो एक बार होता है कि एक लोमड़ी दो दिन से भूखी होती ना। अभी भूख लगेगी तो खाना तो बंदे को ढूंढना पड़ता है, वो लोमड़ी भी ढूंढ रही थी खाना। सोचते कहीं शहर की तरफ चलते हैं, शहर की तरफ खाना मिल जाएगा। तो जो शहर की तरफ चलने लगी तो अचानक खुद की नज़र ना करीब के एक दरख्त पर पड़ी, जहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ था और उसके मुंह पे साबुत रोटी का टुकड़ा था ना, पूरी रोटी थी। और लोमड़ी उसके मुंह में टुकड़ा देख के लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और लोमड़ी ने दिमाग लगा के उससे तारीफें करना शुरू कर दी। लोमड़ी ने कहा, कौवे भाई तुम तो कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं और तुम्हारी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, तुम्हारी तारीफ कितनी भी करें बहुत है। मैं तुम्हारी आवाज़ का एक गाना सुनना चाहती हूँ, प्लीज़ एक गाना सुनाओ। और बस कहूँ अच्छी सी गाना सुनाने के लिए मुंह खोलते उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर जाता है और लोमड़ी वो उठा लेती है। तो लोमड़ी और कौवा उसका मुंह देखते रहते हैं और लोमड़ी उसकी सारी रोटी चट कर जाती है। तो इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें समझ कर हर चीज़ करनी चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। चल बाय बाय। हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।